Assalamu alaikum. I am your teacher and welcome back to your English class. Today we are going to start the reading of your new poem, Close Your Eyes. जैसे हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था, दो स्टैंजास कवर किए थे और आप लोगों को बताया था कि वो मदर किस तरह अपने बच्चे को सुलाने के लिए लोरियां गा रही है. अब हम इसी रीडिंग को फॉरवर्ड कंटिन्यू करेंगे और इसे आज कंप्लीट करेंगे. Now moving to the third stanza, what does the mother said? Close your eyes my little one and dream a little dream. अब वो क्या कहती हैं कि सो जाओ मेरे छोटे बेटे और एक खूबसूरत सा छोटा ख्वाब देखो. आगे वो क्या बता रही हैं, कैसा ख्वाब देखो? Of jewel fishes gliding along a golden stream. अब वो क्या कह रही है, ख्वाब कैसा? कि खूबसूरत सी छोटी छोटी मछलियाँ तैर रही हैं, उछल रही हैं किसके किनारे? गोल्डन स्ट्रीम मतलब नदी के सुनहरे किनारे पे. Now the fourth stanza, what does the mother said? Close your eyes my little one. सो जाओ मेरे छोटे बच्चे. I cannot sing anymore. मैं अब और नहीं गा सकती. I am hungry and tired and thirsty. मैं hungry means भूखा होना, tired means थक जाना and thirsty means प्यासा होना. तो वो क्या कहती है, मैं बहुत भूखी हूँ, थक चुकी हूँ और बहुत प्यासी हूँ. मैं अब और नहीं गा सकती. एंड आई विल स्लीप बाय योर साइड ऑन द फ्लोर. और जब तुम सो जाओगे तुम्हें तुम्हारे साथ ही ज़मीन पर लेट के सो जाऊंगी. तो इस स्टोरी में हमें क्या पता चलता है कि वो मदर अपने बेटे को सुलाने के लिए बहुत प्यारी सी एक लोरी गा रही होती है, जिसमें वो उसे क्या कहती है कि आप सो जाओ ताकि जब आप सो तो मैं भी सो जाऊं. क्योंकि वो क्या होती हैं, बहुत भूखी, प्यासी और थकी हुई.